रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के टॉप रिटायर्ड कमांडर कर्नल डगलस मैकग्रेनर ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को तबाह कर रहा है। कर्नल डगलस का साफ कहना है कि पिछले 180 दिन में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से हराया है, लेकिन पश्चिमी मीडिया यूक्रेन की जीत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि अमेरिका रूस से जंग करने लायक ही नहीं बचा है और ना ही आगे कर पाएगा। अमेरिका के पूर्व कमांडर का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका जबरदस्ती यूक्रेन को जंग में झोंक रहा है। अमेरिका में अमेरिका की पोल खोलने वाले कर्नल डगलस ने साबित कर दिया है कि यूक्रेन जंग में सिर्फ अमेरिका और नेटो की कठपुतली बनकर रह गया है। दावा ये किया जा रहा है कि जेलेंस्की के पास सिर्फ 30 दिन का वक्त है। अगर जंग नहीं रुकती है तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। चालीस हजार मार दिए, 4 लाख मार देंगे। लगभग 90 दिनों से यूक्रेन रूस के खिलाफ भीषण हमले कर रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर क्राइमिया तक यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नाटो देशों से मिले ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के दम पर यूक्रेन ने जितने भी हमले रूसी सेना के खिलाफ किए हैं उनमें 95% हमले बुरी तरह से फेल हुए हैं, जबकि 5% यूक्रेन के हमले रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति को मामूली नुकसान पहुंचा पाए हैं। तमाम जीत के वादों के बावजूद यूक्रेन के जंगी हालातों का सच अब खुद अमेरिका से सामने आने लगा है। अब तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में चोटी के सलाहकार रहे कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको आगे यूक्रेन की हार और रूस की जीत का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अमेरिका और नाटो की पोल खोल रहा है। कर्नल डगलस की चेतावनी, यूक्रेन की हार मत छिपाओ। यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने 18 महीने की जंग में रूस के 2,60,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि रूस यूक्रेन पर हर मोर्चे पर भारी पड़ता जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन 5 मोर्चों पर घिरा हुआ है। ये वही मोर्चे हैं जहां पर यूक्रेन सबसे ज्यादा नाटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही मोर्चे हैं जहां यूक्रेनी सेना रूसी सेना के खिलाफ 160 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी मीडिया भी डंके की चोट पर दावा कर रही है कि रूस अब जंग में यूक्रेन से हारने लगा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और नाटो के 31 देशों की पोल खुद अमेरिका के टॉप पूर्व सैन्य अधिकारी ने खोल दी है। इस अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका और नाटो मिलकर भी रूस को जंग नहीं हरा पाएंगे। जरा देखिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर। नहीं जीत पाएगा अमेरिका, 180 दिन बाद खुफिया रिपोर्ट। अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर का साफ कहना है कि अमेरिका हथियार देकर जानबूझकर यूक्रेन को युद्ध में घसीटता जा रहा है। कर्नल डगलस का साफ कहना है कि अमेरिका रूस से भयंकर युद्ध के लिए अभी सैन्य और मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। कर्नल डगलस मैकग्रेगर यहां तक दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों की मीडिया यूक्रेन की हार की खबर नहीं दिखा रही है बल्कि यूक्रेन की जीत के दावे कर रही है। कर्नल डगलस का यहां तक कहना है कि मुख्य धारा की पश्चिमी मीडिया यूक्रेन को हुए जबरदस्त नुकसान को भी नहीं दिखा रही है, यहां तक कि रूस की बेहिसाब जीत, जबरदस्त सैन्य ताकत को भी पश्चिमी मीडिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। Запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до 3 батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в
течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. अठारह महीने से ज्यादा की जंग के बाद यूक्रेन के साथ साथ नाटो और पश्चिमी देशों को भी एहसास हो चुका है कि रूस को एक साल के युद्ध के बाद जितना कमजोर समझा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूस ने पिछले 11 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले बेहद तेज कर दिए। यहां तक कि अपनी किंजल मिसाइलों के तूफानी हमलों से कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर डाला है। पिछले दो हफ्तों से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मिले सबसे एडवांस हथियार युद्ध में तबाह हुए हैं, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर इस सच्चाई पर मुहर लगा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ के हथियार भी यूक्रेन को जंग में जीत नहीं दिला पाए हैं, बल्कि यूक्रेन 18 महीने की जंग में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भले ही ज़ेलेंस्की नाटो और अमेरिका के इशारे पर बड़े दावे करें, लेकिन हकीकत में यूक्रेन बुरी तरह से रौंदा जा रहा है। पिछले 180 दिन में युद्ध पर आई रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका के कर्नल डगलस ने क्या दावे किए हैं, जरा ये भी जान लीजिए। 40,000 मार दिए, 4,00,000 मार दिए। अमेरिका के कर्नल डगलस का यहां तक दावा है कि सिर्फ 180 दिन में यूक्रेन के 40,000 सैनिकों को रूसी सेना ने मार डाला है, जबकि 40,000 के करीब ही यूक्रेन के सैनिक 180 दिन में बुरी तरह से घायल हुए हैं। अगर 18 महीने से चल रहे युद्ध में पिछले 6 महीने से यूक्रेन हार रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत का कितना बुरा हाल रूस ने कर डाला है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि 6 महीने में यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन, पोलैंड और लिथुआनिया के साथ तीन तरह के युद्ध में 4,00,000 सैनिकों को मार सकता है। कर्नल डगलस की चेतावनी, यूक्रेन की हार मत छिपाओ। Триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким. यूक्रेन भले ही नाटो के हथियारों के दम पर रूसी सेना पर भयानक हमले कर रहा हो, लेकिन रूस जरा भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। हालांकि यूक्रेन कई मोर्चों पर बढ़त के दावे कर रहा है, जरा देखिए। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कमांडरों के दावे के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 1500 किलोमीटर इलाके में भयानक काउंटर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना दक्षिण में खेरसोन प्रांत से लेकर पूर्व में लोहांस और डोनेस्क इलाकों तक हमले कर चुकी है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमलों से अक्सर रात में रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूस के बख्तरबंद वाहनों पर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने रूस के 98 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर डाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन के 10 इलाकों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के साथ साथ रूसी फौज ने ब्रिटेन की 7 एडवांस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को भी तबाह कर डाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स फिलिप्स पी ओ ब्रायन तो साफ कह रहे हैं कि रूस के लिए कीव की जंग अब नाक की लड़ाई बन चुकी है। रूस हर हाल में कब्जा करके रहेगा। अब देखना होगा कि क्या नाटो अपने 30% हथियारों के दबाव होने के बाद भी यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार देगा या नहीं।
Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस की फायर पावर को देखकर हैरान हैं। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सेना को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मैक रयान ने यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। रिटायर्ड जनरल मैक रयान ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर 5-फ्रंट वॉर शुरू कर दिया है, यानी यूक्रेन के ऊपर 5 मोर्चों पर एक साथ हमला। जरा देखिए कैसे। ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मैक रयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं, और अगर पीछे हटते हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरलों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। ₹40,000 मार दिए, 4 लाख मार देंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा किया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि पुतिन का रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन अपना पूरा इलाका खो सकता है, रूस उस पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के चक्कर में पड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और अगर यूक्रेन अमेरिका के पीछे इसी तरह से चलता रहा तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा आसानी से कर लेगा। अमेरिका यूक्रेन को रूस से नहीं बचा पाएगा। अभी रूस यूक्रेन के 1,10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, जबकि आने वाले दिनों में वो पूरे यूक्रेन यानी 6,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेगा। नहीं जीत पाएगा अमेरिका। 180 दिन बाद खुफिया रिपोर्ट। 4 जून से लेकर अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या में एक भी बड़ा मोर्चा नहीं जीत पाया है। महज छोटे मोटे मिलाकर 8 गांव पर यूक्रेन कब्जे का दावा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जंग में यूक्रेन जीत नहीं रहा है, बल्कि हार की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वी यूक्रेन में जंग जीत रहे हैं और रूस के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने यूक्रेन की हार और अमेरिका के दावों की पोल खोली है, वो साबित करती है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो को भी रगड़ कर रख दिया है। और इस बीच जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। यूक्रेन की उपरक्षा मंत्री हना मलियार ने दावा किया है कि रूस हर दिन 7 में 50,000 तोप के गोले दाग रहा है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन की सेना रूसी सेना को खदेड़ रही है। यूक्रेन की तरफ से दावा कुछ और भी किया जा रहा है। दावा किया गया कि इस वक्त यूक्रेन की 55% इलाके पर रूस ने 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं, और ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं तो फिर यूक्रेन रूस से जंग कैसे जीतेगा? क्या नेटो यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देगा या फिर यूक्रेन की हार का इंतजार करेगा? ये सवाल अब ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। दस गुना ताकत से रूस के हमले शुरू। लगभग 550 दिन बाद भी रूस की सेना उसी तरह से यूक्रेन के शहरों और कस्बों के चीथड़े उड़ा रही है जैसे 8 महीने पहले उड़ा रही थी।
हालात ये हैं कि रूस के 15,000 से ज्यादा मिसाइल हमले और 1.5 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े हमलों ने यूक्रेन को 80 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया है। नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 81 देश मिलकर भी यूक्रेन को जंग नहीं जिता पा रहे हैं। नाटो अपने हथियारों की कमी और रूस के तूफानी हमलों की खींच या कहें कि झल्लाहट यूक्रेनी सेना पर उतारना शुरू कर चुका है। नाटो का साफ कहना है कि घातक हथियारों के बावजूद यूक्रेन का 4 जून से शुरू हुआ काउंटर अटैक 80 दिन में रूस को किसी भी इलाके में हरा नहीं पाया है, जबकि रूस ने पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पूर्व में हर तरफ से 5 मोर्चे यूक्रेनी सेना के खिलाफ खोल रखे हैं। लेकिन अब जो खबर यूक्रेन की तरफ से आ रही है वो हैरान करने वाली है। अचानक हारते यूक्रेन ने दावा शुरू कर दिया है कि अगले 7 दिन में रूस क्राइमिया हार जाएगा। वहीं यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने नाटो और पश्चिमी देशों पर भड़कते हुए दावा किया है कि यूक्रेनी सेना हार नहीं रही है बल्कि जीत रही है। जीतेगा यूक्रेन, हन्ना मालियार का दावा। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा दावा किया है। हन्ना मालियार का दावा है कि बखमूत के पास यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना से 8 गांव छीन लिए हैं। हन्ना का यहां तक दावा है कि नाटो और पश्चिमी देशों के टैंक की मदद से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि नाटो के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की मदद से यूक्रेन ने कई गांवों की श्रृंखला वापस हासिल कर ली है। Говорить, що наступати ти можеш тільки, якщо у тебе є перевага порівняно з противником в кількості бійців і в військовій техніці і в озброєнні. В Україні такої переваги немає. Перевага на боці росіян. У них значно більше бійців, у них значно більша армія, це очевидні речі, у них значно більше зброї і військової техніки. Разом з тим ми звільняємо свою землю і рухаємося вперед. І тут неправильно визначати це просування метрами чи кілометрами. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस ने यूक्रेन के तमाम जीत के दावों के बावजूद यूक्रेन के पूर्वी इलाके में 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि दक्षिण में 20% इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। हम आपको यूक्रेन के दावों की एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो साबित करती है कि यूक्रेन जीत के झूठे दावे कर रहा है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार एक तरफ यूक्रेन की जीत के दावे कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि रूस यूक्रेन से 10 गुना ताकतवर है, जिससे जंग के लिए हमें नाटो और पश्चिम देशों से ज्यादा मदद की जरूरत है। हन्ना मालियार का साफ कहना है कि नाटो यूक्रेन पर काउंटर अटैक तेज करने का दबाव बिल्कुल न डाले। हन्ना का साफ कहना है कि रूस हर हफ्ते 40,000 से 50,000 तोप के गोले यूक्रेन पर दाग रहा है, जिससे यूक्रेनी सेना को बढ़त हासिल करने में दिक्कत आ रही है। हन्ना का यहां तक दावा है कि रूसी सेना के हमले यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना को बढ़त हासिल करने में दिक्कतें आ रही हैं। Де ворог до росіяни наступають фактично на 4 напрямках, а ми їх потужно зупиняємо. От щоб було зрозуміло по цифрах, що означає зупиняємо. Вони можуть вистрілювати в місяць вистрілювати за тиждень від 400 до 500 тисяч боєприпасів на сході. Ми у відповідь можемо тільки у 10 разів менше вистрілювати. 10 गुना ताकत से रूस के हमले शुरू। खबर के मुताबिक यूक्रेनी सेना के 10,000 लड़ाकों ने रूसी सेना पर पूर्वी यूक्रेन में हमला किया ताकि बखमूत पर कब्जा किया जा सके, लेकिन रूसी सेना ने बखमूत के पास आ रही यूक्रेनी पलटन पर बड़ा हमला किया।
रूस के ड्रोन पायलट ने रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की सटीक लोकेशन देकर रूस की टैंक रॉकेट आर्मी का काम आसान कर दिया है। रूस के टैंक और रॉकेट के भयानक हमलों से यूक्रेनी सैनिक जंगल में भाग गए, लेकिन रूस के ड्रोन ने वहां भी यूक्रेनी सेना का पीछा नहीं छोड़ा और उनके लोकेशन की सटीक जानकारी दोबारा रूस की टैंक और रॉकेट आर्मी को दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने जंगल में यूक्रेनी सैनिकों पर ऐसा प्रचंड हमला किया है कि एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। रूस के दावों के मुताबिक उसने महज एक घंटे के अंदर बखमूत के जंगल में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। В кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Юкрейн ки хар ки сабут чік рейн. हकीकत में यूक्रेन की भीषण तबाही के लिए रूस और बेलारूस अमेरिका को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने यूक्रेन को यह समझा दिया कि नाटो के घातक हथियारों से रूस को आसानी से हराया जा सकता है। रूस को 2023 के अंत में जंग हराने का दावा करने वाले जेलेंस्की को पिछले 24 घंटे में हुए ट्रिपल अटैक ने हिला कर रख दिया है। रूस का ये ट्रिपल अटैक इस वक्त पश्चिमी मीडिया में रूस के बिजली युद्ध के नाम से कोहराम मचा रहा है। जरा देखिए रूस ने ट्रिपल अटैक से कैसे कीव को खंडहर बना दिया। रूस के हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक शुरू होने के बाद से भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त कीव पर एक घंटे के अंदर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और रॉकेटों से एक साथ हमले हो रहे हैं। एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के ट्रिपल अटैक से कीव का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कीव में कई महीने का आठवां सबसे बड़ा हमला हुआ है और भारी तबाही हुई है। नौ मई से लेकर अब तक यूक्रेन पर KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों से भयानक हमले कर रहा है। यहां तक कि रूस की S-300 मिसाइलों से कम पूर्वी यूक्रेन में पिछले 7 दिनों में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस की फायर पावर को देखकर हैरान है। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर को जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। चाहे बाइक तुम चलाओ, चाहे ट्रक में ही चढ़ जाओ, चाहे पैदल चल के उल्टे सीधे मुद्दे पे अड़ जाओ, चाहे पैदल चल के उल्टे सीधे मुद्दे पे अड़ जाओ, सीटें लाएंगे 300 के पार मोदी जी, 24 में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी, 24 में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी। राहुल जी लद्दाख जाकर चीन की घुसपैठ देखे आए, हो सकता है चंद्रयान लैंड हुआ है या नहीं ये देखने के लिए चांद पर निकल जाएं। घी मक्खन कन्वर्ट हो जाता है, पूरा घी था अब वो हमारी आंखों के सामने मक्खन में बदल गया है। बहुत चमत्कार है। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद। देखिए आधी हकीकत आधा फसाना आज रात 8:57 पर। मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह। और उधर ग्रीस से स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी एथेंस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम से मिलने के लिए वहां लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए।
और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया और चंद्रयान 3 की सफलता को दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का उदाहरण बताया। चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। पीएम मोदी के मुताबिक चांद पर मिली कामयाबी का उत्साह लंबे समय तक बना रहने वाला है, जिससे भारत को आगे बढ़ने के लिए कई नए रास्ते और अवसर मिलेंगे। इस बीच चांद पर इतिहास रचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अब सूरज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसरो के मुताबिक सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन अगले महीने की शुरुआत में रवाना होगा और उस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक 120 दिन का ये मिशन 2 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जिसमें आदित्य L1 सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन सूरज तक नहीं जाएगा बल्कि वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 100वां हिस्सा ही तय करेगा, यानी 15 लाख किलोमीटर। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सूर्य के ऊपरी एटमॉस्फेयर जो है उसको उसकी स्टडी करेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों का भी पता लगाया जाएगा। इधर अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से बाहर निकलने का पहला वीडियो जारी कर दिया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने वहां घूमना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इसके कुछ घंटों बाद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला, जिसका वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें 26 किलो का रोवर प्रज्ञान रैंप के सहारे लैंडर से बाहर निकलता दिखाई दिया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर उतरते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले ताकि वो सूरज की रोशनी से खुद के लिए ऊर्जा बना सके। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ी। इसरो के मुताबिक रोवर लैंडर के आसपास सिर्फ आधा किलोमीटर के दायरे में ही घूमेगा। एक रोज पहले इसरो ने लैंडर के चांद पर उतरने का भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें चांद की सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे नजर आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देकर बड़ा दावा किया कि रूस ने मिसाइल दागकर प्रिगोजिन का विमान मार गिराया। दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई और उनके साथ वैगनर ग्रुप के कई कमांडरों की भी जान चली गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि प्रिगोजिन का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था बल्कि उस पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया, जिससे वो विमान जमीन पर गिर गया और उसमें सवार प्रिगोजिन की मौत हो गई। दावा है कि रूसी सेना ने जो मिसाइल बरसाई वो जमीन से हवा में मार करने वाली थी, यानी मॉस्को के नजदीक ही किसी इलाके से वो मिसाइल दागकर रूसी सेना ने वैगनर चीफ की जान ले ली। आरोप है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर ही किया गया और रूसी राष्ट्रपति को इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी थी। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह दावा करने वाले अमेरिकी अधिकारी का नाम क्या है और वो किस विभाग में काम करते हैं। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने पुतिन के एक पुराने वीडियो का हवाला देकर दावा किया कि वैगनर चीफ की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति का ही हाथ है। अमेरिकी मीडिया ने जिस वीडियो का जिक्र किया वो 2018 का बताया गया, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि पुतिन सब कुछ माफ कर सकते हैं लेकिन धोखा देने वाले को कभी नहीं छोड़ते। अमेरिकी मीडिया ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 2018 के उस वीडियो को भी जारी किया, जिसमें पुतिन एक इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देते दिखाई दिए। दावा है कि इसी दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो किसको माफ कर सकते हैं तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि वो धोखा देने वालों को छोड़कर सबको माफ कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि पुतिन ने प्रिगोजिन के विमान हादसे वाली साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले वैगनर ग्रुप की बगावत को रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया था और इसी के बाद से पुतिन प्रिगोजिन को उनकी धोखेबाजी की सजा देना चाहते थे। रूस के मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया कि मॉस्को के नजदीक क्रैश होने वाले विमान में ही प्रिगोजिन सवार थे। उन्होंने ये दावा अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से किया, जिसके मुताबिक 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें प्रिगोजिन खुद मौजूद थे। Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पहले वहां के मीडिया ने भी यही दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे रूसी सेना और वहां के राष्ट्रपति पुतिन का हाथ था, जो वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच करने और तख्तापलट की कोशिश के बाद से ही प्रिगोजिन से बदला लेने की फिराक में थे। हालांकि रूस की सरकार ने इस हादसे के बाद इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया ताकि ये पता लग सके कि प्रिगोजिन का विमान अचानक कैसे जमीन पर गिर गया।
इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे की रूसी अधिकारियों को पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि दावा है कि उनकी मौत से एक दिन पहले रूसी सेना के अधिकारियों ने अफ्रीकी देश लीबिया में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। और इसी वजह से तुर्की के मीडिया ने यवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। दो दिन पहले रूसी सरकार ने राजधानी मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत का दावा किया, लेकिन तुर्की के मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन को साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि उनकी मौत से एक दिन पहले लीबिया में रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री और रूसी सेना के कई अधिकारियों ने वहां मौजूद वैगनर ग्रुप के कमांडरों के साथ एक बैठक की थी। और इस बैठक में रूसी अधिकारियों ने वैगनर लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का फरमान सुनाया था। दावा यह भी है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को ये संदेश दिया गया कि उन्हें मॉस्को से कंट्रोल किया जाएगा, इसीलिए तुर्की के मीडिया ने शक जताया कि प्रिगोजिन को रास्ते से हटाने की साजिश का पता रूसी सेना के अधिकारियों को पहले से था। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया यवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया। बाइडेन ने एक दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा, जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि यवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया यवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया। बाइडेन ने एक दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा, जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि यवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली तो उसके लड़ाके पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप को पुतिन कंट्रोल करेंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप को न सिर्फ पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है बल्कि इसके लड़ाके अपनी बर्बरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन के बखमूत को जीतने के लिए वहां खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री मोतियेश मोरवियेत्स्की ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली तो नेटो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ यवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया। वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये यवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो दो दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज सुबह स्वदेश लौटे। पीएम ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। सुबह करीब 6 बजे का वो समय था जब उनका विमान HOL एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और वहां इससे जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइमिया से बड़ी खबर है, जहां पर यूक्रेन ने क्राइमिया से 200 किलोमीटर दूर रूस के एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस ने यह जरूर कह दिया है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन के 73 ड्रोनों को या तो मार गिराया या उन्हें टारगेट हिट करने से पहले जैम कर दिया है। रूस पर ड्रोन की बारिश ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। क्राइमिया टू क्रेमलिन, ज़ेलेंस्की इस वक्त रूस पर कहर बनकर बरस रहे हैं। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, हम आपको बता दें, लगातार जो है यूक्रेन के ड्रोन हमलों के सामने बेहद कमजोर दिखने लगा है। जमीन, आसमान और पानी में ज़ेलेंस्की को जहां मौका मिल रहा है रूस को ड्रोन हमले से रौंदने की कोशिश कर रहे हैं।
ज़ेलेंस्की को कमजोर आंकने की भूल करने वालों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दिन का उजाला हो या रात का घुप अंधेरा, मॉस्को पर मौत वाला साया मंडरा रहा है। रूस के एयर डिफेंस की ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने छिंदी छिंदी बिखेर दी है। क्राइमिया में ड्रोन का कहर, यूक्रेन की मिलिट्री एजेंसी का दावा है कि उसने क्राइमिया से 200 किलोमीटर दूर रूस की 126वीं कोस्टल डिफेंस ब्रिगेड बेस पर जोरदार हमला किया है। यह बेस क्राइमिया का पेरेवलनोय है, जहां रूस ने 2014 से अपना बेस बना रखा है। महायुद्ध के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के कब्जे वाले बेहद संवेदनशील इलाके में घुसे और तबाही भी मचाई। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि इस हमले में जान भी गई है, लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन रूस का रक्षा मंत्रालय कहता है कि हमले तो हुए हैं, एक नहीं 42 ड्रोन हमले, लेकिन बेस पर होने की बात तो रूस की तरफ से नहीं कही जा रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा, सुनिए। क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के 42 ड्रोनों से हमला किया गया। इनमें से 9 ड्रोनों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 33 ड्रोनों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से टारगेट हिट करने के पहले जैम कर दिया गया। बहरहाल दोनों के दावों के बीच क्राइमिया पर जो हमले हो रहे हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस की रक्षात्मक शक्ति भी सवालों के घेरे में है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी तो सायरन की चीखती आवाजों वाले शहर मॉस्को में दहल रहे लोगों की तस्वीरें। द बर्निंग मॉस्को, डेढ़ साल में युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। यकीन नहीं होता तो एक और तस्वीर देखिए। ये ऊंची इमारत रूस की आन बान शान की प्रतीक है और आपके जेहन में इसके ऊपर ज़ेलेंस्की के शोले बनते ड्रोन की तस्वीरें भी ताजा हैं। उसी कड़ी में एक और तस्वीर देखिए। मॉस्को पर ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। रूस के मेयर ने खुद बताया है कि हमलों को देखते हुए 3 एयरपोर्ट कुछ घंटों के लिए बंद करने पड़े। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि मॉस्को क्षेत्र के इस तरह जिले के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के 3 एयरपोर्ट्स जिन्हें ज़ेलेंस्की के डर ने बंद करने के लिए विवश कर दिया, उन्हें मैप पर देखिए। शेरेमेदयेव, दोमो देदोवा और वनुको। और यही क्यों, पिछले हफ्ते यूक्रेन के ड्रोन हमलों से डरे रूस को अपना मॉस्को एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को मॉस्को एयरपोर्ट कई घंटों के लिए बाधित हुआ। आर्मी बेस, बाशिंदों से भरे शहर में, समंदर में, आसमान में ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लहूलुहान कर दिया है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों को रोकने की पुतिन की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की रूस में जिस जगह चाहे ड्रोन हमला कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के ड्रोनों की ताकत के सामने पुतिन के बेहद तेज हमले मध्यम लगते हैं, क्योंकि पुतिन 4 मारेंगे तो शोर होगा और ज़ेलेंस्की ने 1 भी मारा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई 2 गैर बराबर ताकतों के बीच है, जिसका फायदा तीसरा नाटो नाम का संगठन उठा रहा है, लेकिन उसकी चर्चा यहां नहीं। यहां तो ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की काट ढूंढते रूस के जनरल की बात। За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и противорадиационная ракета HARM производства.
18 अगस्त 2023 मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। 1 अगस्त 2023 एक कॉमर्शियल बिल्डिंग पर ड्रोन हमला। 30 जुलाई 2023 एक साथ कई ड्रोन हमले। 24 जुलाई 2023 मॉस्को की दो इमारतों पर ड्रोन अटैक। मतलब एक बारगी युद्ध की बदलती तस्वीर ज़ेलेंस्की की शान नहीं बढ़ा रही, बल्कि पिछले महीनों में यूक्रेन लगातार रूस के भीतर घुसकर हमला कर रहा है। मॉस्को में इसी कारण एयर डिफेंस सिस्टम पंचशीर इमारतों की छतों पर लगाए गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के ड्रोनों की जोरदार धार के बीच कुछ काम नहीं आ रहा। बहुत बारीक और ठोस रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की रूस को ड्रोन हमलों का शिकार बना रहे हैं। यूक्रेन ने क्राइमिया के निकट काला सागर में एक रूसी टैंकर को भी निशाना बनाया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि रूस कर्ज जलड मरुमध्य के असैन्य पोत पर हुए यूक्रेन के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। इस प्रकार से बर्बर कृत्यों को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। इस हमले का षड्यंत्र रचने वाले और हमला करने वाले लोगों को निश्चित ही दंडित किया जाएगा। यूक्रेन ड्रोन का काला सागर में किया गया ये दूसरा हमला है। इससे पहले यूक्रेन ने एक प्रमुख रूसी बंदरगाह पर हमला किया था। कीव की नौसैन्य शक्ति बढ़ाने के साथ ही काला सागर अहम युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। रूस ने करीब 3 हफ्ते पहले यूक्रेन के समुद्री मार्ग से अनाज निर्यात करने संबंधी समझौते को समाप्त करने की घोषणा की थी और यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बनाया था, जिसके बाद यूक्रेन ने पलटवार किया। इसी तरह यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब अपने ड्रोन के जरिए ही दे रहा है। दुनिया के कई वॉर एक्सपर्ट्स की यहाँ राय जाननी जरूरी है, क्योंकि पुतिन को इन ड्रोन हमलों का काट निकालना ही होगा, वरना एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर जीत और दूसरी ओर अपनी जमीन पर लगातार हमले, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन सवाल है कि हल क्या है। उसके लिए रूस के एयर डिफेंस की शक्ति की बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए। रूस के पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने इस सिस्टम के भी चीथड़े उड़ा दिए हैं। यूक्रेन की फौज ने क्राइमिया में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को ढेर करने का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दबा कर दिया। यूक्रेन के ड्रोनों का निशाना इतना सटीक था कि जोरदार विस्फोट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रूस इस बात पर अपनी पीठ थपथपाता आया है कि उसके S-400 को दुनिया की कोई ताकत नहीं भेद सकती। का दावा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हमला करके आसमान में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को गिरा सकता है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने अपने खतरनाक ड्रोन से उसको तबाह कर डाला। महायुद्ध में रूस का सब कुछ तो नहीं, तो भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। एक छोटे से सैनिक शक्ति वाले देश ने रूस की बलशाली कही जाने वाली सेना को नाकों छने चबाने पर मजबूर कर दिया है।
ड्रोन के तौर पर जेलेंस्की को एक ऐसा नायाब हथियार मिल गया है जो कुछ हजार में आता है और बम से दुश्मन पर हमला कर देता है, खुद भी तबाह होता है और दुश्मन के इलाके को भी तबाह कर देता है। जेलेंस्की के ड्रोन हमलों का सच यह है कि जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमले करने शुरू किए तो पश्चिमी देशों को लगने लगा कि मामला अभी हाथ से निकला नहीं है, वरना कहा जा रहा था कि जेलेंस्की का काउंटर अटैक ढाक के तीन पात हो गया है, कहीं कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की ने ड्रोन हमले बढ़ाए, कहर मच गया। अब कोई ऐसा दिन नहीं है जब पुतिन अपने टॉप के कमांडर्स के साथ मीटिंग ना कर रहे हो। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब रूस का कोई ना कोई इलाका ड्रोन के हमलों से थर्रा नहीं जाता हो। यूक्रेन मॉस्को पर UJ-22 एयरबॉर्न नाम से एक हाईली वर्सिटाइल यानी अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन से हमले कर रहा है। इस ड्रोन को स्वायत्त रूप से या दूर किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन 82 mm के चार मोटार माइंस या चार RPG-7 ग्रेनेड तक ले जा सकता है। UJ-22 एयरबोर्न लंबी दूरी के मिशनों को सटीकता के साथ अटैक कर सकता है। ये ड्रोन यूक्रेन बड़े पैमाने पर अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहा है। 24 घंटे यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू है। जेलेंस्की के सामने पिक्चर क्लियर है कि करोड़ों की मिसाइल को पश्चिमी देशों की कृपा से हासिल कर उसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने से सस्ते ड्रोन ही अच्छे हैं जो मनचाहा रिजल्ट दे रहे हैं। जेलेंस्की के UJ-22 ड्रोन की अधिकतम दूरी 800 किलोमीटर तक उड़ान भरने की है। मॉस्को यूक्रेन की सीमा से लगभग 600 किलोमीटर है। ऐसे में ये ड्रोन मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है। मतलब यूक्रेन से मॉस्को की भौगोलिक दूरी एकदम जेलेंस्की के ड्रोन हमले के माफिक है। रूस का रक्षा मंत्रालय दावा करता रहा है कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन हमले अपने टारगेट को हिट करने के पहले रूस के सिस्टम से हिट कर दिए जाते हैं। कुछ को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर देता है, लेकिन सवाल है रूस की फुल प्रूफ सुरक्षा का। आलम भी ये है कि मॉस्को खौफ में है तो रूस के दूसरे शहरों का क्या होगा? जेलेंस्की के ड्रोन से कैसे बचेगा रूस? दलील ये दी जा रही है कि रूस ने काफी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर लगा रखे हैं और इन्हें वहां से हटाया गया तो यूक्रेन के अंदर लड़ रही रूस की सेना को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, लिहाजा उन्हें हटाकर शहर को बचाना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। तो सवाल फिर वही कि कैसे बचे रूस? के बीच ईरान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक साथ जंग करने के लिए अपने सुपर ड्रोन को उतार दिया है। ईरान के इस नए ड्रोन को मुहाजिर 10 नाम दिया गया है। दावा किया गया है कि यह अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह ही शक्तिशाली है। मुहाजिर 10 ड्रोन के बारे में ईरान ने यह दावा किया है कि लगातार 24 घंटे उड़ान भर सकता है और 300 किलोग्राम के मिसाइल और बम से सीधा हमला करने की क्षमता रखता है। ईरान के इस ड्रोन को अमेरिका और इजराइल के लिए सीधा खतरा भी बताया जा रहा है। अगस्त में दुनिया किसी तरह बच गई, लेकिन सितंबर में दूसरा बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ऐसी वार्निंग दे दी है कि बाइडेन और नेतन्याहू दोनों बहुत परेशान हैं। ईरान ने कहा है कि उसका नया ड्रोन दुश्मनों के हाथ काट देगा। रिपोर्ट इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अपने दुश्मनों का हाथ काटने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उससे जो टकराएगा उसका हाथ कलम कर दिया जाएगा। आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है, ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मुहाजिर 10।
और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. ایران کی راجدھانی تهران میں جب یہ ڈرون دکھایا گیا تو وہاں کے راشٹرپتی کا آتم وشواس دیکھنے لائق تھا۔ چکا چوند والے اس ڈیفنس شو میں محاضر ٹرین کو جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو اس کی تلنا امریکہ کے MQ-9 ڈرون سے کی جانے لگی۔ MQ-9 जिसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था, लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इजराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मुहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है, यानी ये इजराइल तक एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहाँ एक कामिकाजे ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इजराइल घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। کار ما رو به نحوی این کاری که در صنایع نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون به ما کاملا عوض شده. ईरान एक ड्रोन पावर है और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ईरान से युद्ध करना आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अपने ड्रोन पावर की बदौलत ऐसा दबदबा कायम किया है कि इसका खौफ इजराइल तक नजर आता है। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इजराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। मुहाजिर 10 ही नहीं, ईरान अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ईरान जानता है कि जब तक उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर मजबूत है, ये बात मायने नहीं रखती कि उसकी कमजोर एयरफोर्स इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कैसे काम करेगी। دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته. محاضر 10 ایران که درون محاضر 6 کا نیا ورژن ہے اور اب اس میں پرانے ورژن کے مقابلے دو گنا زیادہ فائر پاور ہے۔ امریکہ کا تو یہ بھی الزام ہے کہ ایران اپنے محاضر 6 ڈرون روس کو سپلائی کر چکا ہے جس سے یوکرین میں لگاتار حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا نیا ڈرون محاضر 10 پرانے ورژن کے محاضر 6 کے مقابلے کافی بہتر ہے۔ और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि मुहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक वीडियो और चर्चा में है। उन्होंने डिफेंस शो में खुर्रम शहर मिसाइल के आगे चलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। इसमें रईसी 6 खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ईरान की लेटेस्ट मिसाइल है और इसको दिखाने का मतलब साफ है, पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और ईरान अपनी वार्निंग को हमले में बदलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसा वो जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद करके दिखा चुका है, जब 8 फरवरी 2020 को उसने इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर 22 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। अब ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉर हेड ले जा सकती है।
ईरान का दावा है कि इस मिसाइल के आगे इसराइल और अमेरिका दोनों का कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो आयरन डोम हो या फिर अमेरिका का पैट्रियट। این موشک رادارگوریزی و عبور از پدافند ایران اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈرون پاور یا کہیں کہ ڈرون لیڈر بن چکا ہے جس کے ڈرون سستے ہیں اثردار ہیں اور یدھ میں خود کو ثابت بھی کر چکے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت ایران یوکرین میں روس کی بڑی مدد کر رہا ہے और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। फिलहाल ईरान का पूरा फोकस ड्रोन पावर बढ़ाने पर है। ईरान जानता है कि कम लागत से तैयार की गई इस फोर्स से अमेरिका और इसराइल जैसी आधुनिक सेनाओं से भी मुकाबला कर सकता है। ऐसा उसने रूस को ड्रोन सप्लाई करके साबित कर दिया है। रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर अमेरिका ने बहुत सख्त एतराज जताया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान रूस को अपने ड्रोन सप्लाई करना बंद कर दे। रूस को ईरान ने हजारों शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं, जिन्हें कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। इस ड्रोन से रूस यूक्रेन के बड़े टारगेट पर धमाका कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन के हथियार डिपो उड़ाए जा रहे हैं। इस ड्रोन से यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे उड़ाए जा रहे हैं और इस ड्रोन से यूक्रेन के बड़े बड़े शहर तबाह किए जा रहे हैं। नथिंग अबाउट आवर ओवरऑल अप्रोच टू ईरान has changed. We continue to pursue a strategy of deterrence, of pressure, and diplomacy. We remain committed to ensuring that Iran never acquires a nuclear weapon. We continue to hold the regime accountable for its human rights abuses, destabilizing actions in the region, funding of terrorism, provision of drones to Russia for its use in war against Ukraine, among many other offenses. ईरान के कामिकाजे ड्रोन से अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसकी बहुत सी वजह ईरान के ड्रोन खासकर शाहिद 136 यूक्रेन में बहुत कामयाब साबित हुए हैं। इनका हिट रेट रूस की उम्मीद से बहुत बेहतर रही है। यही वजह है कि अमेरिका को लगता है कि ईरान की ड्रोन पावर इसराइल के लिए खतरा है। ईरान की ड्रोन पावर खाड़ी देशों में अमेरिका के लिए खतरा है और अब रूस के पास आने के बाद ये ड्रोन पूरे नाटो के लिए खतरा बन चुके हैं। पुतिन कैसे जेलेंस्की की आर्मी पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इसके लिए 8 बहुत छोटी छोटी वीडियो क्लिप यूक्रेन और नाटो दोनों की पोल खोल चुकी है। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है, इसे MRAP कहते हैं, ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो, ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है, ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है, यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक, इसमें गोला बारूद लदा है, ये भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का पांचवां शिकार बनती है कमांडर की गाड़ी, जो जलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी, और यहां भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ साफ तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन का T-72 टैंक है। सातवां टारगेट भी जेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है, ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा है, इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। आठवां वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन जेलेंस्की की बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। ईरान के ड्रोन ने नाटो के हथियारों की कमर तोड़ कर रख दी है। नाटो के हाईटेक हथियारों की इमेज मिट्टी में मिल चुकी है। добиться результатов. Пример тому разрекламированное стратегическое контрнаступление, умелое действие личного состава российских вооруженных сил. Их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов. पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद यूक्रेन अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा पलटवार है। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि यूक्रेन के हथियार पूरी तरह से बेकार हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन में हिमार्स जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए रूस ने ईरान से सैकड़ों ड्रोन लिए हैं और अब ये ड्रोन यूक्रेन की फौज पर हमला करने में काम आ रहे हैं। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं।
घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ईरान का ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजर। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है जिसने इसे पूरे एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। शाहिद 129, अबाबी, करार, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासर, ईरान के ड्रोनों की फहरिस्त बहुत लंबी है। रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस अपने नए सैनिकों को ईरान के ड्रोन की लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात ने नेटो को भी हैरान कर दिया था। रूस की फौज को जिन ड्रोन के लिए ट्रेनिंग दी गई उसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन भी शामिल है। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं।